ये मत सोचना कि मैं माजा का ऐड कर रहा हूं, नहीं नहीं, ये भी एक्वेरियम का ही वीडियो है, एक्वेरियम के बारे में ही है और शायद सबसे बेसिक वीडियो है। तो आज हम देखेंगे कि जब भी कोई एक्वेरियम में नीचे सैंड है, ठीक है, कोई भी सैंड हो, रिवर सैंड हो, जैसे हम यूज कर रहे हैं एडीए का लापलाटा हो, कोई भी सैंड हो, वो सैंड को साफ कैसे करते हैं ताकि हमारा एक्वेरियम का पानी अच्छा खासा साफ रहे, ठीक है। बेसिक सिंपल डाउन राइट, आई मीन इससे ज्यादा सिंपल हो ही नहीं सकता है वीडियो, और उसको लगेगा कोई भी एक प्लास्टिक का बॉटल, पेप्सी कोक बॉटल भी चलेगा, ठीक है, बट पेप्सी कोक पियो मत, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, माजा फिर भी ठीक है, ओके मैं दिखाता हूं अभी, देखते रहो। वैसे तो आज पूजा मैडम ने हम सबको माजा पार्टी दिया है, लेकिन ये माजा के बारे में नहीं है, है ना। तो सैंड को साफ करने के लिए ये सबसे सिंपल घर में डीआईवाई मेथड है। हम सबके घर में प्लास्टिक बॉटल तो होता ही है, ठीक है, ये स्टिकर वगैरह निकालो, बॉटल को अच्छे से वॉश करो, तीन चार बार, चाहिए तो थोड़ा गर्म पानी भी डाल के वॉश कर सकते हो, ताकि इसमें जो शक्कर का जो स्वीटनेस है, मैंगो जूस है, वो सब कुछ भी ना रहे, ठीक है। जितना अच्छा वॉश करोगे उतना बेटर है। और बॉटम ये जो पोर्शन है ये काट लो, ठीक है, हमने नीचे का निकाल दिया, ये देखो अब ऊपर का कैप जरूरत नहीं है, ये रहा हमारा साइफर। अब क्या करेंगे, ये जो पाइप है इसमें फिट करेंगे, ठीक है, पाइप ऊपर भी बैठ सकता है या अंदर भी बैठ सकता है, अगर ऊपर बैठता है तो टाइट बैठ सकता है, टेप मार दो, अंदर भी बैठेगा तो टेप मार दो, सिंपल, ओके। तो इसके लिए मेरे पास सिंपल सा इलेक्ट्रिक टेप, जो हम लोग वायर वगैरह चिपकाते हैं घर में होता ही है, ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, पाइप को रख के मैंने टेप मार दिया, ओके, अच्छे से टाइट से मारो ताकि लूज ना हो और पानी बाहर ना आए, ठीक है। अभी हमारा साइफन पाइप तैयार है, तो चलो ये टैंक में सैंड साफ करते हैं, ओके चलो। ये वाला सिस्टम या साइफन पाइप बोलते हैं उसको, आपको कोई भी फिश एक्वेरियम में मिल जाएगा, एक्वेरियम शॉप में मिल जाएगा, आई थिंक 100-200 रुपए का होगा। आप अगर ये नहीं करना चाहते हो तो वो भी आप लाके रख सकते हो, उसमें एक एडिशनल पंप आएगा ताकि पानी पंप करके बाहर निकल सके। इसमें क्या है, कुछ नहीं, बॉटल में पानी भर दो और पाइप में भी पानी भरो, ठीक है, और उसको बाहर छोड़ दो। तो इसमें पानी आ रहा है और आप सैंड में ऐसा बॉटल को थोड़ा थोड़ा करके ऐसा निकाल निकाल के आप साफ करोगे। तो अभी यह क्या करेंगे, ऐसा सैंड से नीचे से उठा के इसको बंद करेंगे, तो वो मट्टी सब, जो कचरा नीचे है मट्टी के नीचे, वो सब मट्टी उठता। इसमें क्या है, थोड़ा बहुत सैंड भी निकलेगा बकेट में, थोड़ा बहुत सैंड निकलेगा बकेट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कचरा निकलते जाता है और सैंड साफ होते जाता है।
हमारा ऑफिस का थोड़ा हमेशा हम लोग रेगुलरली करते हैं तो उसमें इतना कचरा नहीं है, बट दिस इज अ सिंपल मेथड। ठीक है, तो अभी हमने सैंड क्लीन कर दिया ना, तो अगर जब आपने पानी बकेट में डाला है तो बकेट में थोड़ा बहुत सैंड रह जाता है। ठीक है, सिंपल सा बात है, वो सैंड कुछ नहीं, हाथ से निकालो और वापस टैंक में डाल दो। ठीक है, वो सेटल हो जाएगा, साफ है, वही पानी में थोड़ा वॉश करके भी डालो और भी बेटर है, या नया पानी में थोड़ा वॉश करके, मतलब पुराना पानी फेंक के नया पानी डाल के उसको वॉश करके वापस सैंड टैंक में डाल देना है। ओके, वो नीचे जाके बैठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और आपका सैंड हमेशा साफ रहेगा। अभी ये सिस्टम प्लांटेड टैंक्स में काम नहीं करता, ये सिर्फ वैसे टैंक्स में काम करता है जहां पे नीचे सैंड हो, जहां पे सिर्फ सबस्ट्रेट हो, रिवर सैंड हो, प्लांट्स ना हो। अगर प्लांटेड टैंक में करोगे तो पूरा प्लांट का रूट वगैरह सब निकल जाएगा। ठीक है, ये सेम सिस्टम आप बेयर बॉटम टैंक में भी कर सकते हो कचरा निकालने के लिए। बहुत सिंपल मेथड है, सेम पाइप, कोई पुराना बॉटल। ठीक है, और जैसे मैंने पहले बोला था ना, दुकान में जाओ, वो पुस वाला साइफन में पाइप मिलता है, 100-200 रुपए का मिल जाता है, चाहिए तो वो यूज कर लो। मुझे ऐसी चीज बेटर लगते है, बिकॉज वो बॉटल नहीं तो आप फेंकोगे, गंदगी फैलेगा, उससे अच्छा यूज हो जाए। तो कभी कभी कुछ सिंपल आइडियाज हमारे बहुत काम आ जाते हैं, प्लास्टिक वेस्ट भी नहीं हुआ, एनवायरमेंट फ्रेंडली आइडिया भी है। तो हमने कोई एक पेप्सी बॉटल या पुराना बॉटल जो भी है यूज किया, छोटे टैंक में छोटा बॉटल, थोड़ा बड़े टैंक में बड़ा बॉटल, बॉटल के हिसाब से पाइप, और उसका जॉइंट टाइट होना चाहिए। बहुत टाइट होगा तो हवा नहीं निकलेगा, पानी नहीं निकलेगा, और आपका साइफन सिस्टम मस्त काम करेगा। तो बहुत छोटा सा वीडियो है, सिंपल सा आइडिया है, सबके काम आएगा, सबके घर में काम आएगा। आज भी मैं वही दोहराता हूं कि पानी अगर आप साफ रखोगे तो फिश को कोई डिजीज नहीं आएगा। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि सर पानी कब चेंज करना चाहिए। नॉर्मल ऐसे टैंक में हम लोग हफ्ते में एक बार 30-40% वाटर चेंज करते हैं। 30% मतलब आधे से थोड़ा कम वाटर चेंज करते हैं। बेयर बॉटम टैंक अगर है तो आप रोज 5-10% थोड़ा सा, ताकि वो नीचे का कचरा, फिश का वेस्ट निकल जाए और नया पानी डाल दो। इसमें भी हम पानी भरेंगे और टॉप अप कर देंगे, काम हो गया। ओके, तो सिंपल आइडिया, इजी मेथड, आशा करता हूं आप सबको पसंद आया, मजा आया। साइफन करने में मजा नहीं आया चलेगा, माजा पीने पे तो मजा आएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करो, बहुत जरूरी है। ठीक है, सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, वो लाल बटन आता है ना वीडियो के नीचे, दबाओ, उसके बाजू में बेल बटन दबाओ, मुझे अच्छा लगेगा, आपको बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस देखने को मिलेंगे। ओके, तो मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम के तरफ से, एंड मेरे पूरे टीम के तरफ से, आप सबको मैं थैंक यू बोलता हूं। पूजा मैडम को माजा पार्टी के लिए थैंक यू बोलते हुए मेरे तरफ से थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और बहुत ही सुंदर वीडियो के साथ। बोल देता हूं वो बेटा फिश फंगस और फिनरॉड कैसे क्योर करते हैं, वीडियो बन रहा है, और बेटा फिश ब्रीडिंग का भी वीडियो बन रहा है, देखते रहना, सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय।